एनडीपीएस मामले में आरोपी को 4 वर्ष का कारावास, साथ ही 25,000 रूपए के अर्थदंड से किया दंडित। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के एडीजे कोर्ट ने वर्ष 2011 के एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी माना है, जिसमें धारा 820 एनडीपीसी एक्ट में 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, साथ में 25,000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा दी है। बाड़ी एडीजे कोर्ट के राजकीय अभिभाषक एवं एपीपी एडवोकेट मनोज सिंह परिवार ने बताया कि 26 जून 2011 को बाड़ी शहर के महाराज बाग बस स्टैंड से पुलिस ने संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति को भागते हुए पकड़ा था, जिसके पास से एक थैले में 5 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। पुलिस टीम द्वारा उक्त मामले में आरोपी सागर सिंह पुत्र भागीराम जाटव निवासी चिलाचौंग के खिलाफ 820 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उक्त मामले में आरोपी सागर सिंह को लेकर एडीजे कोर्ट में चालान पेश किया गया, जहां मामला विचाराधीन था। एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक एडवोकेट मनोज सिंह परिहार ने बताया कि मामले में आज बुधवार को न्यायालय ने कार्रवाई को पूरा करते हुए फैसला सुनाया है। एडीजे नीरज कुमार ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सागर सिंह को धारा 820 एनडीपीएस एक्ट में दोषी माना है और 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, साथ में 25,000 रूपए का अर्थदंड दिया है। अर्थदंड नहीं अदा करने की स्थिति में 3 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा दी है। 26/6/11 को एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस थाना बाड़ी ने महाराज बाग बस स्टैंड से पकड़ा था, जिस पर मादक पदार्थ पकड़ा था, जिसका वजन था 5 किलो 800 ग्राम, जिस पर बाड़ी थाना अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश SHO पसेड़ी को सुपुर्द की थी, जिसमें मुलजिम सागर सिंह चिलाचौंग का निवासी है। इसको न्यायालय श्रीमान नीरज शर्मा जी ने दोषी मानते हुए 8/20 NDPAC एक्ट के तहत 4 वर्ष का कारावास एवं 25,000 रुपये जुर्माना किया है।